Hello?

करता है सो so, चिल्ड्रन कुछ लोग होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं एंड देन दो पीपल हेल्प देम इन रेजिंग राइट जैसे ह्यूमंस के बेबीज होते हैं वैसे एनिमल्स के बेबीज की भी हमें देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होते हैं और बहुत ज्यादा उन्हें केयर की जरूरत होती है और इसलिए चिल्ड्रन जो लोग उनको देखभाल करके बड़ा करते हैं वो उन्हें बेबीज की तरह ही रखते हैं उनकी टेक केयर करते हैं उन्हें साफ सुथरा रखते हैं उन्हें बराबर खाना खिलाते हैं दूध पिलाते हैं वो सब कुछ करते हैं जो एक ह्यूमन के बेबी के लिए किया जाता है ओके चिल्ड्रन सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द बेबीज ऑफ द एनिमल्स और अब हम करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व ऑल राइट सो लेट्स बिगिन द क्लास ओके मैच दी फॉलोइंग सो चिल्ड्रन ये चैप्टर था रेजिंग बेबीज के बारे में कि हम एनिमल्स के बेबीज को किस तरह से रेस करते हैं और उनके बेबीज को हम आखिर कहते क्या है सो so, इसलिए चिल्ड्रन ये एक्सरसाइज है बिल्कुल आपके लिए match the following, जिसमें आपको एक जगह लिखा है बेबीज के नाम और चिल्ड्रन दूसरी जगह दिए हैं उनके स्पेसिफिक नेम जो हम उन्हें कहते हैं ओके जैसे चिल्ड्रन अगर आपके पास में कोई गाय है और गाय का अगर बेबी है माने कि बेबी का उसका कोई स्पेसिफिक नेम होता है सो चिल्ड्रन इस मैच दी फॉलोइंग में यू विल कम टू नो दैट बेबीज एनिमल्स आर नोन बाय व्हाट स्पेसिफिक नेम्स उनका क्या पर्टिकुलर नाम है चिल्ड्रन जिनसे हम उन्हें क्या करते हैं एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि ओ oh, वो तो किटन जा रही है किटन क्या होती है बेबी कैट मतलब कैट का, का बच्चा ओके Okay, so children, let's match the following. फर्स्ट ऑप्शन इज बेबी कैंग्रू सब देखा होगा ना बहुत ही क्यूट बहुत ही जॉली सा एनिमल होता है जो कि पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में ओके okay? और इसलिए चिल्ड्रन ऑस्ट्रेलिया के आप लगभग ऑलमोस्ट हर चीज में आप देखोगे कि वहां पे कैंगू के साइंस होते हैं क्योंकि वहां का ही एनिमल है लेकिन चिल्ड्रन जो कैंगू के बेबीज होते है उनका भी एक स्पेसिफिक नाम है एंड डू यू नो दैट बेबी कैंगरू को हम क्या कह के बुलाते हैं सो बेबी कैंगरू इज नोन एज चिल्ड्रन ज़ोई क्या कहते हैं वी कॉल देम ज़ोई तो जब भी आपको ज़ोई सुनाई दे या ज़ोई कह के आपको कहीं भी देखने को मिले तो हमेशा ध्यान रखना कि ज़ोई माने बेबी कैंगरू मतलब कैंगरू का बेबी ज जोई जोई के बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज भी आते हैं चिल्ड्रन तो अब समझ में आया कि क्यों बनाए जाते हैं क्योंकि वो कैंगू का बेबी होता है जिसको हम सब कहते हैं जोई ओके नेक्स्ट है बेबी बैट बेबी बैट क्या होता है बैट तो हमें पता है बैट होता है चमगादड़ और बेबी बैट क्या होगा so, चमगादड़ के बेबी को हम कहते हैं पप आपको आज से पहले पता था कि चमगादड़ के बेबी को हम कहते हैं पप यस चिल्ड्रन जो बेबी बैट होता है उसके बेबी को हम कहते हैं पप यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो Isn't it? So, let's see next कौन सा एनिमल है और उसके बेबी को क्या कहा जाता है so, the next animal is baby bear. Okay. भालू भालू के के बच्चे को हम क्या कह के बुलाते हैं? हैं so, right. जो भालू के होते है, उनको हम कहते हैं कब Cub चिल्ड्रन हम शेर के बेबीज को भी कहते हैं सो डू नॉट गेट confused. कब हम एक एनिमल्स तो के बेबीज़ को कहते हैं सिमिलरली बैर के जो बेबी होता है माने के बेबी बैर उसको हम कहते हैं कब सी यू बी कब नेक्स्ट है बेबी एलिफेंट बेबी एलिफेंट को हम क्या कहते हैं यूजुअली तो पब्लिक चिल्ड्रन बेबी एलिफेंट को बेबी एलिफेंट करके ही बुला लेती है लेकिन स्टिल चिल्ड्रन हर एनिमल्स के बेबीज के होते हैं एक स्पेसिफिक नेम सो बेबी एलिफेंट के नाम क्यों नहीं होगा सो बेबी एलिफेंट इज नोन एज काफ चिल्ड्रन ओके सो जस्ट लाइक काउ के बेबी को हम काफ कहते हैं उसी तरह से हम एलिफेंट के बेबी को भी कहते हैं काफ लास्ट वन इज चिल्ड्रन फ्रॉक ओके तो मेढक के बेबी को क्या कहते हैं तो बहुत ही ध्यान से सुनना चिल्ड्रन बेबी फ्रॉक इज नोन एज अ टैकपोल ओके तो कोई भी मेढक का जो बेबी होता है उसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है वो ऐसा होता है फुल ग्रोन मेढक बनने से पहले चिल्ड्रन बॉडी स्ट्रक्चर बेबी का कैसा होता है ऐसा होता है और इसलिए इनका नाम भी बहुत ही अलग रखा है और वो है टैटपोल ऑल राइट तो ये थे आपके बेबीज और ये है उनके स्पेसिफिक नेम्स सो डू नॉट फॉरगेट। कैंग्रो के बेबी को हम कहते हैं जोई बेबी बैट को हम कहते हैं पप बेबी बैर को हम कहते हैं कब बेबी एलिफेंट को हम कहते हैं काफ और बेबी फ्रॉक को हम कहते हैं टैटपोल ऑल राइट नाउ नेक्स्ट वट इज गोइंग टू बी वट इज इट मीन चिल्ड्रन क्या होगा आगे जाके ओके वॉट इज गोइंग टू बी का मतलब है कि क्या होगा ऑल राइट लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं तो चिल्ड्रन हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बेबीज के बारे में ही कैसे एग्जाम्पल दिया है इट इज अटन मतलब वो बिल्ली का बच्चा है बिल्ली के बच्चे को हम क्या कहते हैं किटन कहते हैं ओके okay. इट इज गोइंग टू बी अ कैट किटन आगे जाके क्या बन जाएगी कैट ओके सो चिल्ड्रन आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं कि आपके सामने स्टेटमेंट रहेगा एंड देन व्हाट इज गोइंग टू बी आगे जाके वो बेबी क्या बन जाएगा ये हमको बताना है है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यस डिफरेंट है बट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ओके सो इट स्टार्ट विद इट्स अ पपी मतलब वो तो कुत्ते का बच्चा है सो इट इज गोइंग टू बी अ डॉग ओके तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको आंसर करना है इट इज गोइंग टू बी अ डॉग ओके सो दिस इज हाउ वी विल हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर वो बेबी है और उसका ये नाम है तो आगे जाके जब वो ग्रो करेगा तो वो क्या बन जाएगा ओके सो इट इज अ पपी इट इज गोइंग टू बी अ डॉग ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है इट इज अ काफ सो चिल्ड्रन वो काफ है माने कि वो किसका बेबी है तो चिल्ड्रन काफ हम गाय के बच्चे को भी कहते हैं काफ हम एलिफेंट के बच्चे को भी कहते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से यहां मैं कंसीडर कर रही हूं कि काफ है गाय का बेबी सो इट इज गोइंग टू बी अ काऊ ओके आप लोग अपने हिसाब से उस एनिमल के फुल ग्रोन का नाम लिख सकते हैं इट इज गोइंग टू बी अ अव ओके, okay, सो so कि कैसे हमको आंसर लिखना है आपके पास में एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको उसी चीज को फॉलो करके यहाँ पे जो बेबीज के नेम दिए हैं उनको हमें बताना है कि वो बड़े होकर क्या बन जाएंगे ओके लेट्स सी एनिमल कम्स नेक्स्ट नेक्स्ट है इट इज अ चिक, इट्स अ चिक चेक क्या होता है सो चिल्ड्रन चेक का मतलब होता है चूजे और चूजे का होते हैं बड़े बन के चूजे बन जाते हैं चिल्ड्रन ओके सो चिल्ड्रन इट इज अ चेक माने के वो चूजा है एक है इसलिए इट इज गोइंग टू बी अ हैन बड़े होके उसे बन जाना है मुर्गी ओके इट इज गोइंग टू बी Uh, है अंडरस्ट ओके okay, मुर्गी जो की देती है हमें अंडे ऑल राइट नेक्स्ट इट इज इट्स अ पिगलेट पिगलेट क्या है चिल्ड्रन सो आंसर नाम में ही छुपा है अगर आप पिगलेट के बीच में यहां पे डंडी खींच दो तो आंसर आ जाएगा माने के पिग सो चिल्ड्रन पिग माने सुअर और सुअर के बच्चे को हम कहते हैं पिगलेट सो so यहां पे क्या लिखेंगे हम अगेन इट इज गोइंग टू बी A pig. Okay, it is going to be a pig. Great. Now इट्स अ जॉय के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि joy हम कौन से एनिमल एनिमल बेबी को कहते हैं? Yes, you are right. वो जो इंडिया में नहीं पाया जाता उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया क्योंकि जॉय बेबी होता है कैंगरू का सो चिल्ड्रन जॉय बड़े बन होके क्या बन जाएगा कैंगरू ओके सो इट्स इट इज Going to be a kangaroo. राइट सो right. so, ये था आपका एक्सरसाइज कैसे आपको सॉल्व करना है इस तरह के एक्सरसाइज से एक आपको फायदा होता है कि आपको धीरे धीरे आंसर्स को बड़ा लिखने में हेल्प मिल जाती है आपको प्रैक्टिस होती है क्योंकि आगे जाके आपको इससे बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ेंगे यस yes. तो आपको अगर अभी से प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह के एक्सरसाइज

से ये चैप्टर हमने कर लिया है फुल्ली फिनिश अब एक इंफॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम पे लिखना है www.magnetbrains.com उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पर लिखा रहेगा इंडिया नंबर वन 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीचे दिए रहेंगी क्लासेस फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास टू क्लिक क्लास टू उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट्स टीचर्स आपको दिखेंगे नाउ फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू स्टडी जीके क्लिक जीके वॉच नाउ आपके सारे चैप्टर वाइज आपके होंगे सामने अब आपको जो भी चैप्टर का वीडियो देखना है प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट ऑल राइट right. चिल्ड्रन so मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत यस एक्साइटेड लेकिन तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स से है किंटर गार्डन टू ग्रेट ट्वेल्थ फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन थैंक यू